SC ST एक्ट में बदलाव को लेकर देश भर में दलित संगठनों का गुस्सा उबाल पर है। ऐसे में बदलाव के विरोध में भारत बंद के दौरान कहीं ट्रेनें रोकी जा रही हैं, तो कहीं प्रदर्शन के दौरान झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं राजस्थान में प्रदर्शन के दौरान दलित संगठनों और करनी सेना में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को मुठभेड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। उधर पंजाब में भी दलित संगठनों के प्रदर्शन की वजह से CBSE बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। कानून व्यवस्था काबू में रखने के लिए राज्य सरकार ने 12,000 जवानों को तैनात किया है। यूपी के हापुड़ और मेरठ में भी दलितों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं ओडिशा में भी ट्रेन रोककर दलित संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे दलित संगठन केंद्र सरकार पर कोर्ट में सही तरह से पक्ष न रखने का आरोप लगा रहे हैं। संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पहले की तरह लागू किया जाए। वहीं उग्र प्रदर्शन को देखते हुए हरकत में आई केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान SC ST एक्ट में संशोधन करते हुए पब्लिक सर्वेंट की तत्काल गिरफ्तारी से रोक लगा दी थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।